नमस्कार। जिंदगी यूं ही चलती रहे धारावाहिक से संबंधित मेरा संस्मरण एक प्रकृति से संबंधित है। 1981 से 1986 के अवधि में मैं उत्तरकाशी में पोस्टर था और उसी अवधि में मेरे साथ इंजीनियर पी के आसुदानी भी पोस्टर थे। एक बार मेरे इन लॉज आए हुए थे, आसुदानी साहब के पेरेंट्स आए हुए थे, तो ये प्रोग्राम बना कि हम लोग गंगोत्री और गोमुख होके आते हैं। हम लोग गंगोत्री गए और गंगोत्री से मैं, मेरे फादर इन लॉ आसुदानी साहब और आसुदानी साहब के फादर, हम चारों लोग गोमुख के लिए चले। गंगोत्री से गोमुख 18 किलोमीटर दूर है, बीच में कोई बस्ती नहीं है, कोई मार्केट, कोई होटल, कुछ नहीं है। गंगोत्री में बताया गया कि गोमुख से सेम डे तो नहीं लौट पाओगे, इसलिए वहाँ रुकना पड़ेगा और रुकने के लिए केवल गोमुख से 4 किलोमीटर पहले एक आश्रम है बाबा लाल बिहारी दास का, उसमें आप रुक सकते हैं। लेकिन बाबा लाल बिहारी दास थोड़ा सा सख्त व्यवहार के बाबा हैं और डांटते डपटते तो हैं ही, कभी कभी अगर उनकी बात ना माने तो वो मारते भी हैं। लेकिन हम लोग फिर भी हिम्मत मार के चले गए। पूरे रास्ते हम लोगों को बहुत कम एक आध किलोमीटर में कोई यात्री नज़र आया, वरना कोई नज़र ही नहीं आया। बाबा लाल बिहारी दास के आश्रम तक पहुँचे, तब तक शाम के 4 बज चुके थे। तो आश्रम में जाके हमने देखा कि हमसे पहले वहाँ 15-20 लोग और बैठे हुए हैं। एक खुले आंगन में दरी बिछी थी, उस पर बैठे हुए थे, हम भी जाके बैठ गए। इतने में शोले पिक्चर के गब्बर सिंह जैसी पर्सनैलिटी के बाबा हमारे बीच में आए और खड़े होके बोले कि चलो उठो, सब लोग खिचड़ी खाओ। तो हम लोग आज्ञाकारी छात्रों की तरह उठे, कोने में रखी प्लेटें उठाई और लाइन में लग गए। हम चारों लोग थे, मैं, मेरे फादर इन लॉ आसुदानी साहब, उनके फादर और बाकी भी लोग थे, 14-15 लोग। एक एक करके सब लोगों ने खिचड़ी ली। तो एक बाबा खिचड़ी कड़छे में भर के प्लेट में डाल रहा था और नमक मेरे अलग से भी रख रहा था, और शर्त ये थी कि कुछ छूटना नहीं है, इसमें से पूरा खाना है। आके हम लोग फिर दरी पे बैठ गए, फटाफट खाया। खाने के बाद प्लेट धोई, प्लेट उसी स्थान पे जाके रख दी, फिर दरी पे बैठ गए। उस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट है, बहुत ठंडा था, कपकपी आ रही थी। शाम के 6 बजे तक हमें किसी ने ये नहीं कहा कि तुम कहीं अंदर छाया में बैठ जाओ। 6:15 बजे के करीब बाबा के एक चेले आए और उन्होंने कहा कि बाबा आने वाले हैं। इतने में बाबा एक बड़ा सा रजिस्टर लेके आ गए और हम लोगों के बीच में बैठ गए और सबके नाम, पते और टेलीफोन नंबर नोट कर लिए। उसके बाद हमें वहाँ से उठाया गया और एक बरामदे में बैठा दिया गया। 8 बजे तक हम बरामदे में बैठे, ठिठुरते रहे, ठंडा बहुत ज़्यादा था, जून का महीना था जबकि। और 8 बजे बाबा ने हमें एक कमरे के अंदर जाके बैठा दिया। कमरे का साइज था करीब 12 फिट बाई 18 फिट का और तब तक हम लोग करीब 20 लोग थे। तो लकड़ी का स्ट्रक्चर था, पहाड़ में लकड़ी के मकान बनते हैं, फर्श भी लकड़ी का था। सब जमीन में बैठ गए दीवारों के साथ साथ। इतने में कुछ प्लेटें आई जो सबके सामने रख दी गई और उसमें खाना परसा गया। खाना आलू की सब्जी और 2 मोटी मोटी रोटियां थी हर एक की प्लेट में। इतनी हाइट पे भूख भी नहीं लगती है, थके हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा हम तो खा नहीं पाएंगे। बाबा हम लोगों के बीच में खड़े थे कमरे में, उन्होंने कड़क के कहा कि खाना पूरा खाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि बाबा मुझे तो उल्टी हो जाएगी, बोले कोई बात नहीं, एक प्लेट और रखवा देता हूँ, खाओ उल्टी उसमें कर लेना, खाना तो पड़ेगा। खैर सब लोगों ने जैसे तैसे खाना खाया, खाना खा के प्लेट हटा दी गई। उस कमरे में रोशनी के लिए एक मिट्टी के तेल की डिबिया जला रखी थी जो बहुत धुआं भी कर रही थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था। खाना खाने के बाद बाबा ने सबके को एक एक छोटा सा गद्दा और एक रजाई दे दी, बोले अपने अपने, और वो डिबिया बंद करके और दरवाज़ा बंद करके बाबा चले गए। हम 20 लोग उस 12x18 साइज़ के कमरे में अपने अपनी बिछौना बिछा के लेट गए और सफोकेशन भी खूब था। बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर आश्रम में बाउंड्री वॉल नहीं थी, तो ये डर और था कहीं निकलेंगे तो कहीं जंगली जानवर ना आ जाए। वॉशरूम के लिए भी नहीं गया कोई आदमी, रात भर चुपचाप पड़े रहे। सुबह 5:30 बजे करीब बाबा ने सबको जगा दिया, बोले चलो फ्रेश हो के आओ।
सब लोग जंगल गए, डर ये लग रहा था कहीं भालू या शेर वेर ना मिल जाए, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। सब लोग आए लौट के तो एक बड़े से जहाँ पे खिचड़ी बन रही थी वहीं पे चाय बन रही थी। बोले सब लोग चाय पियो, तो मग टाइप के बर्तन रखे हुए थे, सबने उठाए उसमें चाय ली, चाय पी, उसके बाद बाबा बोले चलो भागो यहाँ से, जाओ जाओ गौमुख हो गया हो। और इस बीच में पूरी व्यवस्था के लिए कोई चार्जेस नहीं थे, निशुल्क सेवा थी। एक दान पात्र जरूर गेट पर रखा हुआ था जिसपे दान पात्र लिखा हुआ था, तो सब लोगों ने जिसने जिसकी जैसी श्रद्धा हुई 10 रुपये 5 रुपये उसमें डाल दिए और वहाँ से हम निकल गए, गौमुख गए। लेकिन हमें समझ में ये आया कि बाबा ने इतने इंटीरियर में इतनी हाइट पे सबके लिए रहने का और खाने का अरेंजमेंट कर रखा है, जो एक बहुत बड़ी सेवा है। और ये भी पता लगा कि बाबा डांट डांट के इसलिए खिलाते हैं कि इतनी हाइट पे कोई व्यक्ति भूख ना लगने के कारण खाना नहीं खाएगा, बीमार हो जाएगा, इसलिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बाबा डांट डांट के खिलाते थे और कोई चार्जेस भी नहीं लेते थे, यही मेरा संस्मरण है। धन्यवाद। समस्त स्नेही जनों को हमारा प्रणाम। आज जब कोरोना जैसी महामारी हम सबके बीच अपने पांव पसार रही है, तब ऐसे एकांत और लॉकडाउन के समय में मधुलिका जी और उनकी टीम ने हमें इस मनोरंजन की ओर अग्रसर किया है और हमारे कर कुछ पल आप सब स्नेही लोगों के साथ बिताने का अवसर दिया है। मैं आपको, जब हम लोग 1979 में देहरादून में पोस्टेड थे, मेरे बड़े बेटे का जन्म होने वाला था, तो मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी। कांसा मुझले का हॉस्पिटल गए, पर वहाँ पे जाके ये पता चला कि अभी डिलीवरी में 2-3 दिन शेष हैं। तो हम लोग घर वापस आ गए और जब हम घर वापस आए तो देखा कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे इन लॉज डिलीवरी की वजह से देहरादून में आए हुए थे, तो स्वाभाविक उस टाइम देहरादून आ गए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो मेरे पेरेंट्स और कान साहब मेरे फादर इन लॉ को लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ उनकी दशा बिगड़ती चली गई और दुखवश उनका देहांत हो गया 30 सितंबर 1979 को। ये लोग और मेरे पेरेंट्स सब जेंट्स लोग उनको लेके हरिद्वार गए उनके अंतिम संस्कार के लिए। इन लोगों के घर से जाते ही मुझे फिर ऐसा महसूस हुआ कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मेरे नंदोई घर पे थे, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में मान्यता है कि ससुर के संस्कार में दामाद नहीं जाते हैं। तो मेरे नंद और नंदोई मुझे लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ। अब आप कैसी विषम परिस्थिति और कैसा विधि का, कि एक तरफ तो इतना बड़ा गम कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई और एक तरफ इतनी बड़ी खुशी कि हमारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। खैर, जब ये लोग लौट के आए तो हमने देखा कि मेरी सास जो थी उन्होंने, भगवान ने उनसे उन्हें ये सांत्वना मिली कि एक तरफ तो उन्होंने अपना पति खोया और एक तरफ उन्हें पौत्र मिला। उन्होंने ये माना कि शायद मेरे पति ने पुनर्जन्म लिया है। तो विधि का यही विधान है और यही मैं अपना खुशी और गम का संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। नमस्कार।